हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लेकर आए हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में कि डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं आखिर कार्बन के ही बने हैं, पर फिर भी इनमें इतनी ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज क्यों पाई जाती है। तो इस लेक्चर के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है, एक तो हमको देखनी है डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, और फिर हम देखेंगे डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो इन दोनों को एक दूसरे से इतना ज़्यादा डिफरेंट बनाती है। उसके बाद फिर इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बढ़ते आगे। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, डेफिनेटली ये क्या है, ये डायमंड है। और इन दोनों चीज़ों में क्या कॉमन है, पेंसिल और ये, भाई हमको लेड पेंसिल बोलते हैं, एक्चुअली में लेड पेंसिल नहीं होती, इसमें लेड होता ही नहीं है, इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर होता है जिसे हम लिखते हैं यही ग्रेफाइट होता है। ये क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, और नीचे जहाँ पे मैंने बनाया है ये भी ग्रेफाइट ही है। तो दोनों को अगर देखे भाई, तो डायमंड देखो जो इतना ज्यादा चमकीला है और ग्रेफाइट ऐसा काला सा भस्कुरा सा है। डायमंड जो होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, और ये ग्रेफाइट जो है जैसे पेंसिल में जो नीचे लगा होता है इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। इसके अलावा जो डायमंड होता है इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम पास नहीं करा सकते, जबकि ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते। तो आखिर ऐसा होता क्यों, तो इसको समझने के लिए आप पहले ये समझिए कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एपरोप इनको हिंदी में बोला जाता है, एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स वे सब्सटेंस हैं जो सेम तरह के एटम से तो मिलकर बने हैं, यानी इनके अंदर जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज है या इन एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो प्रॉपर्टीज कैसी मिलेगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगी, तो उनको बोला जाता है एलोट्रोप। तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप होते हैं, एक डायमंड, ग्रेफाइट, और एक 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा एक और होता है जिसको बोलते हैं फ्यूल भी, तो ये भी कार्बन का एलोट्रोप माना जाता है। चलिए इनके जरा स्ट्रक्चर देखते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। तो देखिए डायमंड के अंदर जो कार्बन है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरह से यहाँ पर एक बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक इधर होगा और एक ऊपर की तरफ, और हर एक बॉन्ड से एक-एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो एक ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर बॉन्ड एंगल कभी पूछा जाता है तो क्या बताएंगे आप, 109 डिग्री और 28। अगर सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, तो देखिए ये जो कार्बन है ये यहाँ पर एक और कार्बन से जुड़ रहा है, फिर तो आगे की तरफ इस कार्बन से, फिर तो इधर जुड़ रहा है, फिर यहाँ पे जुड़ रहा है। इसी तरह से ये कार्बन भी इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, यहाँ पर और जुड़ रहा होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ भी ये कार्बन देख लीजिए, ये कार्बन तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक यहाँ पे बना रहा है, एक ऊपर की तरफ बना रहा है। तो यहाँ पे सभी कार्बन सेम तरह से जुड़े रहते हैं और सभी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करते हैं। तो इस तरह से जुड़कर ये बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, और इस नेटवर्क को फिर हम लोग बोल देते हैं 3D नेटवर्क। 3D नेटवर्क, यहाँ पर जितने भी बॉन्ड है वो सारे सिंगल बॉन्ड है, जिसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है। तो बॉन्ड लेंथ जरा ध्यान रखनी है, हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ली जाए। ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर दी हुई, तो ग्रेफाइट के अंदर कार्बन कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं, जैसे कि हम बेंजीन के अंदर बनाते हैं 6 कार्बन की रिंग, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही ये रहे कार्बन। फिर यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यानी डबल देन सिंगल, उसके बाद फिर डबल देन सिंगल, फिर डबल, और फिर इन पे यहाँ पे ऊपर की तरफ और कार्बन लगे, यानी इसी तरह की और रिंग इसमें ऊपर नीचे लेफ्ट साइड या राइट साइड में लगे होंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ज्योमेट्री मिलती है। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, कुछ sp2 आएगा। ओके, और यहाँ पर अगर देखें तो डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस में हम क्या कराते हैं, बाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराते हैं, तो वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बाई इलेक्ट्रॉन है वो लगातार रिंग के अंदर घूम रहे हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डी लोकेलाइजेशन, और इसी की वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए या तो फ्री आयंस होने चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पर जो डायमंड हो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करा सकता क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर। और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो डिलोकलाइजेशन कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो ये ग्रेफाइट है, इसमें बहुत सारे लेयर्स को एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है। जैसे एक लेयर होगी, फिर यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक दूसरी लेयर होगी, फिर यहाँ से यहाँ पर ये तीसरी लेयर होगी, और ये सभी लेयर एक दूसरे से, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये होता है बहुत ही ज्यादा वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर अगर बॉन्ड लेंथ पूछी जाए या दो लेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी रहती है, 340 किलोमीटर। और इस रिंग के अंदर सभी कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं पांच से डबल बॉन्ड कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, 141.5 पिको टन। ओके, तो इनमें डिफरेंसेस देखते हैं। तो इधर है डायमंड और यहाँ पे ग्रेफाइट। तो डायमंड जैसे सबको पता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, यहाँ पर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट रिलेटिवली थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। डायमंड के अंदर सभी कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यहाँ पर सारे कार्बन डबल बॉन्डेड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ज्योमेट्री यहाँ पे कार्बन आपस में मिलकर टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय की ज्योमेट्री बनाते हैं, और यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर या हेक्सागोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। यहाँ पर एक 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें, और यहाँ पर टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को लगा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ वी वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस मूव करने के लिए अवेलेबल नहीं है, जबकि ग्रेफाइट के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि डीलोकलाइजेशन करते हैं, और इसी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। अगला डिफरेंस ये है कि डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि यहाँ पर ग्रेफाइट में डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। डायमंड में सभी कार्बन कौन से जुड़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से, और ग्रेफाइट में सभी कार्बन अल्टरनेट डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ये इनके बीच का डिफरेंस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब जरा कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन। तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स के आधार पे हमने सॉलिड को चार भागों में डिवाइड किया, तो कौन कौन से हैं जरा रिकॉल कीजिए। एक तो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, कौन सा सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सॉरी बच्चों, तो चार तरह के हमने सॉलिड देखे थे, एक तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा क्या था, आयनिक सॉलिड, तीसरा क्या था, तीसरा था हमारे पास में मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, और चौथा था कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, जिसके अंदर काफी बड़ी स्ट्रक्चर बनती है, जॉइंट स्ट्रक्चर। तो ध्यान से देखिए, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4। अब जब आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर के प्लस आयन बनेगा और सल्फेट दो माइनस, तो एक प्लस बन रहा है एक माइनस बन रहा है, यानी कैटायन और एनायन बन रहा है, और कैटायन एनायन कौन से सॉलिड में बनते हैं, हमेशा आयनिक सॉलिड, तो पोटेशियम सल्फेट को आयनिक सॉलिड में रखा जाएगा, ये फॉर्मूला होता है इसका। अगला TinSn, तो ये क्या होता है, टिन एक मेटल होता है, तो उसको मेटेलिक सॉलिड में रखा जाएगा। बेंजीन, यूरिया, अमोनिया और वाटर, ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर सॉलिड में रखा जाएगा। तो एक तो बेंजीन, और कौन आएगा बच्चों, यूरिया, यूरिया, वाटर और अमोनिया, ये सभी क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद जिंक सल्फाइड, तो इसका फॉर्मूला होता है Zn, अब एस पे माइनस और Zn पे प्लस, तो जहां भी प्लस माइनस आ जाएगा वहीं पर वो सॉलिड कौन सा होगा, आयनिक सॉलिड होगा। नेक्स्ट है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट डायमंड ये सभी क्या बनाते हैं, कॉम्पोनेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इनको कहाँ पे रखा जाएगा, कोवेलेंट सॉलिड के अंदर रखा जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
रबिडियम। अब रबिडियम एक मेटल है जो कि फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करती है। आर्गन, आर्गन एक इनर्ट गैस है, तो एक मॉलिक्यूल है, तो आर्गन को मॉलिक्यूलर सॉलिड में रखा जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन कार्बाइड एक काफी बड़ा नेटवर्क बना लेता है, तो ये कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.6। ध्यान से देखो, सॉलिड ए इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। कोई सॉलिड ए है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन को नहीं करा सकता, ना तो सॉलिड स्टेट में और ना ही मोल्टन स्टेट में, ठीक है। उसके बाद उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कैसा, बहुत ही ज्यादा हाई है, तो हमें बताना है वो सॉलिड किस तरह का है इन चारों में से। तो जरा छाट, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई किसका हो, जहां पर वीक फोर्स काम करेंगे या जहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगे, तो कहां पर हो? डेफिनेटली जहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करेंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा बताया था मैंने, कोवेलेंट फोर्स बताया, तो कोवेलेंट सॉलिड इसके अंदर एग्जाम्पल। तो ये जो है कौन है, कोवेलेंट सॉलिड के बारे में पूछ रहा, जैसे कि डायमंड होता है भी, तो डायमंड जो होता है वो काफी हार्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है इंसुलेटर, सॉलिड स्टेट में भी और मॉडर्न स्टेट में भी, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.7, क्वेश्चन है आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बोथ बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। इसका आंसर मैं आगे दिखा, कैसे देना इसका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन में कुछ पूछ ऐसे ना कि जो हमारे आयनिक सॉलिड, कौन सा सॉलिड, आयनिक सॉलिड, अभी क्या है ये सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर है, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर, लेकिन जब हम इनको पिघला देते हैं यानी मोल्टन स्टेट में ले आते हैं, मोल्टन स्टेट में ले आएंगे तो यही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो या तो आयंस की फॉर्म में होती है, फ्री आयंस, ये ध्यान देना है, सिर्फ आयंस नहीं होने चाहिए, फ्री आयंस होने चाहिए और फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये जो आयनिक सॉलिड है इनमें कुछ ऐसा होता है, जैसे कि NaCl की अगर बात करें बच्चों, तो NaCl के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पर Na प्लस लगा होगा, देन Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, इसी तरह से यहाँ पर एक और लेयर लगी होगी, ऐसी ही एक और यहाँ पर लेयर लगी होगी, फिर नीचे भी यहाँ पर एक और ऐसी ही लेयर लगी होगी। मेरे डायग्राम थोड़े अच्छे नहीं है तो थोड़ा प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर माइनस प्लस, देन माइनस प्लस, माइनस प्लस, उसके बाद प्लस, माइनस प्लस, माइनस, देन प्लस, माइनस। फिलहाल ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। तो खुद ही देखिए क्या यहाँ पर आयंस मूव करने के लिए फ्री है, बिल्कुल नहीं, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, जगह तो बिल्कुल ना के बराबर है, तो कहाँ से मूव करेंगे? तो जब आयंस मूव करने के लिए फ्री ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या घंटा करेंगे, नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इनको मेल्ट करा देंगे, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा जो बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो थोड़े से वीक हो जाएंगे। अब वीक होने से क्या होगा, जो आयंस है वो थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। अब अगर दूरियां बढ़ गई हैं तो क्या होगा, आज़ादी मिल जाएगी भाई, अगर मियाँ बीवी के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं तो जो बीवी है अब उसकी मर्जी है, वो चाहे कुछ भी करे, बाहर जाए, घर में रहे, हंसे खेले, पार्टी में जाए, कुछ भी करे, तो यहाँ पर ये आयंस जो है अब ये दूर दूर हो गए, इनको पूरी आज़ादी मिल गई कि अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जहाँ चाहे वहां पे मूव कर सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ा एडजस्ट करना, प्लस माइनस, उसके बाद सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, इसको सही कर लेना, यहाँ माइनस आएगा देना प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस देन प्लस, यहाँ पे माइनस देन प्लस, तो कौन सी स्टेट है, मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट। तो इसका आंसर कैसे देना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, थोड़ा अलग पेन ले लेते हैं, कौन सा ब्लू ले लेते हैं, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट आयंस इन आयनिक सॉलिड, आयंस इन आयनिक सॉलिड आर नॉट फ्री टू मूव। ओके, व्हाइल इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट आयंस आर फ्री टू मूव,
ग्रेट मूव ड्यू टू विच दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आंसर आपको लिखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1.8। तो 1.8 क्या कहता है इसको देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मेलियबल एंड डक्टाइल। कौन से ऐसे सॉलिड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं, मेलियबल भी है। भाई मेलियबल का मीनिंग क्या है, मेलियबल का मतलब ये है कि अगर किसी मेटल को पीट कर हम उसका साइज बढ़ा सकते हैं या उसकी पतली पतली शीट बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसमें मेलियबल प्रॉपर्टी मिल रही है। हिंदी में इसको बोलते हैं आघात वर्धनीय। इसके अलावा डक्टाइल, तो डक्टाइल का मतलब ये होता है अगर किसी मेटल को पीट कर उसका तार या वायर बना जा सकता है, तो उसको हम लोग डक्टाइल नेचर कहते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी कहाँ पे मिलती है, ये सारी प्रॉपर्टी मिलती है आपके मेटेलिक सॉलिड के अंदर। मेटेलिक सॉलिड में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे कि आपका आयरन हो गया। भाई आयरन को पीट कर इसकी शीट भी बना सकते हैं और वायर भी बना सकते हैं। और आयरन जो होता है सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और मेल्टन स्टेट में भी। इसके अलावा आप कॉपर ले सकते हैं, कॉपर के भी वायर बनते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, जितनी भी मेटल है उसको यहाँ पे रख सकते हैं एक्सेप्ट मर्करी। ओके, सभी मेटल नहीं रखेंगे सब, हाँ ये ध्यान रखना है सभी मेटल नहीं रखेंगे। जैसे सोडियम होता है तो सोडियम में ये वाला नेचर नहीं पाया जाता है, सोडियम में मेलियबल और डक्टाइल नेचर नहीं मिलता है। तो ये नेचर पाया जाता है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड में पाया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतने बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।